Please subscribe my channel Reet Designs and press bell icon to see my latest videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड डिज़ाइंस। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि दुपट्टे पे लेस कैसे लगाते हैं नीट और क्लीन वे से। लेट्स स्टार्ट। ये मेरा दुपट्टा और ये मेरी लेस है। मैं इसको सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज इसके किनारे पे मुझे अच्छी फिनिशिंग देनी है। ये किनारे है तो हमें इसको फोल्ड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी लेस को थोड़ी सी बाहर की तरफ रखूंगी। ऐसे हमने अपने दुपट्टे को सीधा करके अपनी लेस को साथ साथ रखना है। ऐसे हम स्टिच करते जाएंगे अपने दुपट्टे पे लेस को। ये आगे मेरी किनारी मैं सिखाऊंगी आपको इसको हम कैसे फोल्ड करते हैं। इसको हम थोड़ा सा डायगोनल शेप में फोल्ड करेंगे। इससे इसकी अच्छी फिनिशिंग आती है। इसको पंजाबी दुपट्टा भी बोलते हैं। पंजाबी पटियाला सलवार के साथ इसको सभी पहनते हैं और ये काफ़ी अच्छी लुक देता है। आप इस पर चौड़ा बॉर्डर भी लगा सकते हो ऐसे ही। किनारे लास्ट में जब मैं सारा दूसरी इसके ऊपर दूसरी सीन लगाऊंगी तो उसके साथ मैं किनारे भी स्टिच करूंगी। मैंने सेंटर से स्टार्ट किया लेस तो इससे हमारी किनारे अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे मैं इसका एंड कर दूंगी और इसको पक्की स्टिच कर दूंगी। अब मैं अपनी दूसरी सीन लगाऊंगी ताकि मेरी जो लेस उठ रही है वो ना उठे। ये ऐसे उठती है, ये सेकंड सीन के साथ उठेगी नहीं। ये ऐसे बैक से नीट एंड क्लीन आ रही है। हम जो बैक पे हमने जो धागा लगाना है वो दुपट्टे के साथ का ही लगाना है। इससे क्या होता है कि पीछे सेम आता है कलर तो अच्छा लगता है, इससे ऑड नहीं लगता। अगर हम लेस के साथ का लगाएंगे तो पीछे ऑड लगेगा। लेस पे मैं मजेंटा कलर का धागा यूज कर रही हूँ और बैक पे पीच कलर का। ये
ये आ गई मेरी किनारी। अब मैं इसको भी ऐसे पक्का कर दूंगी ताकि ये उठे ना डायगोनल शेप में ही। ये मैंने इस पर दो स्टिचेस कर दिए। अब मैं अपने सारे दुपट्टे को ऐसे डबल स्टिच कर दूंगी ताकि मेरी लेस की अच्छी और अच्छी फिनिशिंग आए। ये होगी हमारी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रीट डिज़ाइन। थैंक यू।